इस बार माई एक्सचेंज पर मस्ती और मनोरंजन के साथ होगा सीखना सिखाना दो सेलिब्रिटी परिवार जूही परमार सचिन श्रॉफ और यश टोंक गौरी टोंक के बीच। देखते हैं पिता बनने से पहले सचिन को पिता की जिम्मेदारियां समझाने के लिए कौन से फंडे अपनाएंगी गौरी। आप अंकल की जिम्मेदारी हो, लेकिन आप मेरे को हेल्प नहीं करोगे इसमें। मेरी तो बेटी है ही, मैंने तो 7 साल किया है, आपको एक्सपीरियंस करना है पेरेंटिंग का। और अपने घर के प्रति गैर जिम्मेदार यश को किस हद तक बर्दाश्त करने होंगे जूही के इल्जाम। मुझे घर का एक आदमी बना के तुम छक्का दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि मैं कर रही हूँ क्या? घर का काम मेरे हिसाब से आपको लगा झाड़ू पोछा है वो नहीं, इन्वॉल्वमेंट है जो ये छोटी छोटी चीजें अपने बच्चे के साथ। ये माँ यहाँ पे आई है हमारी पतलून उतारने के लिए, इसके बाद मेरी बेटी इन जो माँ बनने आई है उनके पास नहीं जाएंगी। ओके देखिए ये बात ये है हम सब की प्यारी कुमकुम जूही परमार और उनके पति सचिन श्रॉफ, दोनों ही टेलीविजन जगत के कामयाब कलाकार हैं। जूही के परिवार में हैं पति सचिन, जूही की छोटी बहन हिना। पति सचिन और बहन हिना जूही को अपने पलकों पर बिठा कर रखते हैं और यही वजह है कि जूही को इस घर में कोई काम नहीं करना पड़ता है। माय हस्बैंड इज द बेस्ट हस्बैंड, क्योंकि ये मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मेरे को बहुत पैम्पर भी करते हैं। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है, जब भी कोई फाइट होती है ना तो यही आके मुझे बनाते हैं। सचिन और जूही माता पिता बनने की इच्छा रखते हैं और इसीलिए माँ एक्सचेंज के माध्यम से औलाद की खुशी और माता पिता की जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक हम दोनों ही टोटली अपना टाइम बच्चे को देंगे और हम दोनों का फोकल पॉइंट लाइफ का फिर हमारा बच्चा हो जाएगा। यश टोंक अनगिनत किरदारों को निभाते हुए छोटे पर्दे पर अपने अभिनय का लोहा मनवा चुके हैं, अब इनकी नजर बड़े पर्दे यानी फिल्मों पर है, जिसके लिए इनका संघर्ष अभी भी जारी है। यही वजह है कि यश इन दिनों टीवी से दूर घर पर ही हर एक पल में रंग भरकर खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करते हैं। यश की पत्नी गौरी खुद भी एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस और मॉडल हैं, लेकिन शादी के बाद इन्होंने परिवार को ज्यादा महत्व दिया है। इनके परिवार में हैं पति यश, लाडली बेटी परी, गौरी की माँ, गौरी की छोटी बहन मीतू और मीतू का बेटा आर्यमान। घर के छोटे मोटे काम या फिर बड़ी जिम्मेदारियाँ सब कुछ गौरी पर निर्भर हैं, क्योंकि ऐसा करना गौरी को खुद भी पसंद है और शायद इसीलिए यश घर के कामों में हाथ नहीं बटाते हैं। मेरे लिए घर का कोई भी काम ना वो हेड या टेल वाला चांस ही नहीं है, कॉइंस उछाल के फेंको क्योंकि उसमें जो भी गिरा कुछ नहीं आता है, सीरियसली बोल रहा हूँ। गौरी की आंखों का तारा उनकी बेटी परी है और यही वजह है कि परी भी अपनी माँ गौरी के ज्यादा करीब है, ना कि अपने पिता यश के। क्या होगा जब दोनों सेलिब्रिटी परिवारों में होगा माँ एक्सचेंज? क्या माँ की जिम्मेदारियों को समझ पाना आसान होगा जूही के लिए? और क्या गौरी सचिन को पिता होने के मायने समझा पाएंगी? जितना कि मैं जानती हूँ हमारी इंडस्ट्री में एक ही टोंक है, तो अगर मैं वही सोच रही हूँ तो ये उन्हीं का घर जिम है। क्या बात है, आंखों में नमी हंसी लबों पर जूही, जूही परमार वही है। तो अब ये मैडम गई होंगी हमारे घर पे। सो क्यूट, मुझे ये फैन बहुत क्यूट लगा। जब हमारी बेटी होगी ना तो हम भी कमरे में ऐसा पिंक कलरफुल फैन लगाएंगे। आर्टिस्टिक लोग हैं, जैसे कि ये पेंटिंग है, वो भी है, मैं और यश हम दोनों भी पेंटिंग करते हैं, सो काफी चीजें मिलजुल रही हैं। गौरी पेंट्स, तो मुझ में और गौरी में तो काफी सिमिलैरिटी है। ओ दे हैव अ डॉग मम्मी, अब डर रही हूँ मैं, इनसे डरती हूँ मैं। 8 दिनों के सफर का पहला पड़ाव है रूल बुक। रूल बुक पढ़ने के बाद दोनों को कुछ खास बातें पता चली। मुझे सुबह उठ के चाय बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, अगर मधु ना हो तो हिना मेरे लिए चाय बनाती है।
अगर वो भी ना हो तो सचिन मेरे लिए चाय बनाते हैं। वाह भाई जूही, ठाटे आपके। घर की पूरी जिम्मेदारी मेरी है, यश घर का काम नहीं करते हैं और मुझे पसंद भी नहीं है कि मेरे हस्बैंड घर का कोई भी काम करें। अगर ग्रोसरी लेनी हो, बैंक का काम हो या फिर सीए से मिलना हो तो ये सब कुछ मैं करती हूँ। ये भी आप ही करती हैं? ये तो यश को कर लेने चाहिए। Enjoy staying here, feel at home, all yours, except my husband. Don't worry about that. I love mine very much. Hi. Hello. Hi, you're Pari. आइए आइए, आपके ही घर है। चलो, गौरी की माता। नमस्ते। कैसे हैं आप? आइए। अब ये पूछो कि आंटी के घर पे कौन कौन है। एटलीस्ट वी शुड नो ना कि आपका। बार बार बोल रही थी कि आंटी के घर पर डॉग है। डॉग है? बिल्कुल है मेरे घर पे डॉग। अरे बाप रे बाप, की मम्मी तो गई। बिल्कुल है। उनको पसंद नहीं है क्या? अरे चीज। ओ माय गॉड, आई वाज थिंकिंग अगर जो भी आएगा उन्हें डॉग्स पसंद नहीं और वो डरते हैं अगर, तो हालत खराब होगी, बिकॉज माय डॉग इज वेरी शैतान। वो उन पे कूद कूद के उनको प्यार करेगा। हेलो। हाय। हाय। उनको पकड़ के रखना। आई एम स्केयर्ड। आर यू स्केयर्ड ऑफ डॉग्स? हाय, आई एम सचिन। डोंट वरी, he is solitary. Hi, hi. आप इसको आगे प्यार कर लो, चलो आ जाओ। बट मैं पास जा रही हूं तो वो कूद रहा है। वो एक्साइटेड है इसलिए। उसको ऐसे ऐसे करो, देखो ऐसे ऐसे। और जो 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 वो करेंगे, वो डर रही है तुझसे। सॉरी। जो भी गौरी लिखवा के गई है, हाँ। अब वो तेरे को फॉलो करना पड़ेगा। तो हो सकता है बहुत सारी चीजें तेरे को बुरी लगे। नहीं नहीं, सपोज यू आस्क मी टू डू समथिंग व्हिच आई जनरली डोंट डू, आई विल आस्क यू टू डू। नो नो, आई विल नॉट डू इट, आई विल डू इट, आई विल हेल्प यू कंप्लीटली, आई विल हेल्प यू। और नहीं भी आता होगा मुझे, प्लीज ये हेल्प कर देना। होता है ऐसे? नहीं हां हां प्लीज। वो मेरी ट्रेनिंग है 2 साल की। मेरे पति को भी कुछ नहीं आता था, मैं उसको सिखाती थी बैठ के, बेबी ऐसे नहीं है, ऐसे करते हैं। बट पता है, क्योंकि मेरे लिए घर का कोई भी काम ना, वो हेड या टेल वाला चांस ही नहीं है। कॉइन्स उछाल के फेंको, क्योंकि इसमें जो भी गिरा कुछ नहीं आता है। सीरियसली बोल रहा हूँ, घर का कोई काम नहीं आता है। घर का काम ये नहीं कि आप सजावट करो। गुड। सिर्फ हेल्प कर दो। हाँ। तो लगेगा कि हाथ बटा दिया।